हेलो, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, मैं फिर आ गई हूँ नए डिज़ाइन के साथ। ये मैंने क्रोशिया से लेस बनाया है जो बहुत ही सुंदर बनी है। आप इसको बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हो। कार्डिगन, कोटी, गला या कुर्ती वगैरह के आप बॉर्डर पे या गले में भी आप इसको लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर ये लगी है। और आप जब इसको बनाएं तो आप बारीकी उनमें इसको बनाएं, और ये देखने में जितनी सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। आप इसको एकदम बना सकते हो और बहुत जल्दी बनने वाली है ये देखिए। और मैं हर दिन मेरा एक नया वीडियो अपलोड होता है जिसमें मेरे क्रोशिया और सिलाई के ही डिज़ाइन होते हैं। क्रोशिया में, सिलाई में जो भी जितने भी आइटम बनते हैं, मैं करीब करीब सभी पे वीडियो मैंने बनाई हैं और आगे भी मैं बनाती रहूँगी। अगर आप क्रोशिया या सिलाई का शौक रखते हो बनाने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे डिज़ाइन देख सकते हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएंगे। ये देखिए, जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो उसके साथ ही एक बेल आती है, आप उसको भी प्रेस करें। ऑल पे जाके आप प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। क्योंकि मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करती हूँ, मेरा हर दिन एक नया वीडियो अपलोड होता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आप मुझे बताएं। अगर आपने कोई डिज़ाइन पूछना है, सीखना है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए मैं वो वीडियो भी बनाऊं। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 9 चैन बनाई हैं। 3 चैन हम यहाँ से छोड़ देंगे, 1 2 3 थ्री छोड़ेंगे। इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाया, इसको हम घुमाएंगे और 3 चैन हम फिर बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, आप ऐसे करके धागा लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर और इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, ऐसे करके हमने इसको, ये सॉरी, डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमारे पास ये 2 स्टिच हैं, इसको हम नहीं निकालेंगे। फिर से हमने 2 बार धागा लपेटना है, फिर इसके अंदर हमने इसको डालना है। देखिए, 2 एक बार निकाला और 2 एक बार निकाला। तो ऐसे करके हमने ये 4 बार इसके अंदर बनाना है। देखिए, अब ये 4 हमारा हो गया है। अब हमने ये एक साथ निकाल देना है। फिर हम इस बार हमने यहाँ पर 3 चैन फिर बनानी है, 1 2 3। 1 चैन हम मार्क के लिए बनाएंगे तो 4 हो जाएंगी। अब देखिए, 1 2 3, ये हमने यहाँ पर इसके अंदर डालना है। इसको हम ऐसे करके निकालेंगे। 3 चैन हमने फिर बनानी है, 1 2 3, सॉरी, 1 2 3। ये देखिए, 2 बार इस पर धागा लपेटेंगे और एक पत्ती हमने 4 बार में और बनानी है। इसी के अंदर हम बनाएंगे, जिसको हम 2 2 बार निकालेंगे। देखिए, ये 1 बार निकाला और ये 2री बार निकाला, फिर से हमने इसके अंदर डालना है। ये देखिए आप, और यहाँ पर हमने ऐसे करके इसको बनाना है। फिर 1 बार हमने और इसके अंदर डालना है। देखिए आप, 4 बार हमने इसको इसके अंदर इस बार डालना है। इसको सबको हम एक साथ निकाल देंगे। देखिए, 3 चैन हम फिर बनाएंगे, 1 2 3। 1 चैन मार्क वाली, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 चैन फिर बनाएंगे, 1 2 3। 2 बार धागा लपेटेंगे, इसके अंदर हमने 4 बार इसको पत्ती को बनाना है। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमने इसको 4 बार में बनाना है। आप देखिए, ऐसे करके ये पत्ती हमारी बनेगी। देखिए आप, 4 बार हमने इसके अंदर बनाया है। हमारे पास में 5 स्टिच ऊपर बन गए हैं। अब 5 के 5 हम एक साथ निकालेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हमने इनको निकाल देना है। फिर से हमने यहाँ पर 3 चैन बनानी है। तो ये वाली चैन हम नहीं गिनेंगे, ये वाली इस चैन से हम इसको गिनेंगे, 1 2 3। 1 चैन मार्क के लिए, 4, 1 2 3। देखिए, 1 2 3 डबल बनाएंगे और इसके अंदर हमने पत्ती बनानी है। देखिए, 4 चैन बन गई है। फिर उनको 1 2 3 4, 1 2 3, 3 चैन हम बनाएंगे। आप देखिएगा, और यहाँ पर हमने
जहाँ से हमने ये इसको शुरू किया था, यहाँ लास्ट में हमने इसको ऐसे करके डबल में इसके अंदर डाल के, अब देखिए एक बार निकाला, फिर दो बार निकाला, ये देखिए तीन बार निकाला। अब हमने यहाँ पर हम पांच चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये देखिए इस पत्ती के बीच में हमने यहाँ पर इसको डालना है और यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे। फिर से हमने पांच चैन बनानी है, 1 2 3 4 5, देखिए अब इसको हम घुमाएंगे और यहाँ पर हमने सी के अंदर इसको एक बार डाल के फिर हमने यहाँ पर एक रिंग बनाना है, 1 2 3, दो बार चैन के ऊपर लपेटेंगे, फिर हमने इसके अंदर पत्ती बनानी है। ऐसे ही करके हमने चार पत्तियाँ फिर बनानी है। देखिए चार पत्ती हमारी बन गई हैं, हमने इनको एक साथ निकाल देना है। 3 चैन हमने बनानी है, 1 2 1 2 3, 1 चैन हम मार्क के लिए बना रहे हैं यहाँ, 1 2 3, देखिए इसके अंदर हमने इसको डालना है एक बार, यहाँ बनाएंगे 3 चैन हमने फिर बनानी है, 1 2 3, दो बार धागा लपेटेंगे, इसके अंदर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए चार पत्तियां हमने ये बनानी है और हर पत्ती में हमने ऐसे ही करके इसको दो दो बार में निकालना है। देखिए ये पत्ती बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 3 हमने चैन बनाई है, 1 चैन हम मार्क के लिए बना रहे हैं यहाँ पर, फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, ये देखिए और इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, 3 चैन हम फिर बनाएंगे, 1 2 3, दो बार धागा लपेटेंगे और इसके अंदर हमने पत्ती बनानी है। ये पत्ती बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करना है। ये देखिए 4 चैन हम, ये 4 पत्तियाँ हमारी बन गई हैं इसमें, 1 2 3 4, अब हमने 3 चैन फिर बनानी है। ये देखिए आप 1 2 3, और इसके ऊपर हम धागा डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर हमने 3 1 2 3, इसके अंदर हमने इसको डालना है। आप देखिएगा यहाँ पर हम इसको डालेंगे और 1 2 एक बार निकालेंगे, 2 एक बार निकालेंगे, देखिए आप ये देखिए। अब फिर से हमने यहाँ पर 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5, ये देखिए अब इसको हम यहाँ घुमाएंगे, इसके अंदर हमने इसको ज्वाइंट करना है और फिर से हमने यहाँ पर 5 चैन फिर बनानी है, 1 2 1 2 3 4 5, ये देखिए अब यहाँ पर हम इसको घुमाएंगे और यहीं पर हमने इसको इसके अंदर डालकर ज्वाइंट कर देना है। इसके अंदर हमारा दूसरा जो ये पत्तियाँ वाला फूल हमने बनाया है, तो एक फूल हमारा यहाँ पर बनेगा, तो ये भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 3 चैन हमने बनाई है, देखिए आप धागा लपेटेंगे ऐसे करके, हमने इसके अंदर पत्ती बनानी है, दो बार निकाला, ये देखिए आप, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये हमने लास्ट वाली पत्ती बना ली है। अब हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाएंगे, धागा ऐसे लपेटेंगे डबल करेंगे क्रोशिए के ऊपर। आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से 1 2 3, इसके अंदर हमने इसको डालना है और ऐसे करके हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखिए फिर से हमने यहाँ पर 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5, और इसको हमने इसके अंदर ज्वाइंट करके यहाँ पर दूसरा फ्लावर बनाना है। देखिए अब फिर से हमने 5 चैन यहाँ पर बनानी है, इसको हम घुमा लेते हैं, देखिएगा, और यहाँ पर हमने इसको ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए ये लेस बनकर तैयार है, बहुत सुंदर लेस ये बनी है। ये देखें आप इसको कार्डिगन, कोटी या गले के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकते हो, पिलो कवर, चादर, कहीं पे भी आप इसको लगाएंगे, बहुत ही सुंदर बनी है।
ये देखिए आप इसको बारीक ऊन में ही बनाएं, बहुत ही सुंदर ये बनी है। ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।